डियर स्टूडेंट गुड इवनिंग। अभी आप लोग का जो है टॉपिक चल रहा है, आप लोग का लाइव सेशन मैं ले रहा हूं। तो लाइव सेशन में आपकी 7 डेज क्लासेस चल रही है, मंडे से लेकर के संडे तक। उसमें कोई भी आपकी ब्रेकिंग नहीं होगी। अगर आपके बीच में कोई लेक्चर्स मतलब की जो है अफेक्टेड हो रहा है नेटवर्क की वजह से, तो उस दिन का जो लेक्चर्स आपको डाउनलोडेड फॉर्म में आपके पर्सनल मोबाइल पर मिलेगा। एक बार दूसरी बात बेटा जी, जो है लॉकडाउन की वजह से काफी बच्चे जो है अपने घर में सर्च कर रहे हैं कहाँ पढ़ें कहाँ ना पढ़ें। इस तरह की बातें बहुत सारे दिमाग में आती हैं और डे बाय डे टाइम बीतता जा रहा है। सिलेबस भी आपका मेंटेन कराना है, क्योंकि अगले साल जो भी एग्जाम होगा ऑन टाइम होगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वजह से आज जो ट्रेजडी है इसकी वजह से आपके कुछ एग्जामिनेशन पीछे हटने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपने जो है अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तैयार रखना है, प्रॉपर करते रहना है। उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं आनी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कैसे कैसे किया जाए। तो बच्चों तीन दिन का मतलब क्या हो गया, मंडे को मैं इनऑर्गेनिक का एक लेक्चर अपलोड करूंगा और फ्राइडे के दिन ऑर्गेनिक का एक लेक्चर अपलोड करूंगा और हर संडे को एक फिजिकल का लेक्चर अपलोड करूंगा। तो जितनी मुझसे हो पाएगा, जितनी मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूं, उतना मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को प्रॉपर वे में पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, प्रॉपर वीडियो को देखने के साथ साथ इसको शेयर भी करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फीस को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर वो बच्चे जुड़ जाएंगे तो उनके प्रॉपर कुछ न कुछ कंटेंट उनको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ना मिले। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों को प्रमोट करिए। जो बच्चे फीस ना दे पाते हो उनको भी फायदा होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरी बात ऑनलाइन क्लासेस आपकी प्रॉपर वे में चल रही है, उसमें कोई कटिंग नहीं है। ठीक है, तो उसकी 7 डेज क्लासेस चल रही है, उसमें कोई मतलब इम्पट नहीं है कि हमारा सिलेबस धीरे हटेगा पीछे जाएगा समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल जो एग्जामिनेशन है ऑन टाइम होगा, है ना। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल शांति से ना बैठिए, आप लोग पढ़ते चलिए और अपना सिलेबस को कंप्लीट करते चलिए। कोचिंग्स वगैरह भी बहुत देर में खुलेंगे, मुझको नहीं लगता कोचिंग दिवाली से पहले कभी खुलेंगे, है ना। तो आप सोचो कि नवंबर के बाद या दिसंबर के बाद जो है हम कोचिंग खुलेगा तो हम तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, सिलेबस खींचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर नवंबर के बाद कोचिंग खुलेगा तो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। 1 महीने में इनऑर्गेनिक, 1 महीने में ऑर्गेनिक, 1 महीने फिजिकल। तो आप भी समझ रहे हो क्या आपको मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला, आप समझ रहे हो। तो ये सब छोड़िए, कोचिंग कब खुलेगी कोचिंग कब नहीं खुलेगी उसमें हमारा कोई मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये है कि आप प्रॉपर वे में तैयारी करते हुए चलिए, अपना समय बचाइए। एक बार तो आज जो है सोमवार का दिन है, जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट किया था आपको कि सोमवार के दिन मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। तो आज जो है आपको केमिकल बॉन्डिंग मेरा चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि हर साल कंपटीशन में यही एक चैप्टर ऐसा है जिसमें 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हमेशा मिलता है। अगर मैं नीट की बात करता हूं तो रिजर्व 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है मेरे पास। अगर मैं JEE की बात करता हूं तो 2 सवाल बिल्कुल रहता है, 2 सवाल JEE में फिक्स रहता है, 5 सवाल नीट में फिक्स रहता है। तो ये मोटा क्वेश्चन का पैकेज है, इस वजह से इस चैप्टर को उठाना मेरी मजबूरी है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते चलिए, मॉड्यूल जो भी है आपके पास, जो भी आप गाइड है उसको प्रॉपर लगाते हुए चलिए। जितना भी कंटेंट्स मैं आपको दूंगा तो परफेक्ट होगा, उसमें कोई कटिंग्स नहीं होगी। बाकी आप समझते हैं, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों आज का जो टॉपिक हम डिलीवर करने चल रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्टकट में मैं इसको HB लिखूंगा, HB हाइड्रोजन बॉन्ड HB, है ना। इस बार JEE में 3-4 पेपर में ये क्वेश्चन इस पर देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए और आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो लिखिए बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले स्टेटमेंट, फर्स्टली स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या वजह है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज होती है और इसका हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। चलिए लिखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन कम ऑक्सीजन, कॉमन नाइट्रोजन अटैच विथ हाइड्रोजन, देन दे फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करिए, अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट से राइट चलने पर क्या करता है, इंक्रीज करता, INC इंक्रीज करता। अच्छा, जो कैरेक्टर लेफ्ट से राइट इंक्रीज करेगा वो कैरेक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करेगा। चलिए ये बात भी डिसाइड हो गई साहब, ये डिक्रीज करेगा। बच्चों एक बात सुनना ध्यान से, अगर मैंने मान लिया जाए कि मैंने 15 ग्रुप ले रखा है और इसके बाद 16 ग्रुप ले रखा है, इसके बाद 17 ग्रुप ले रखा है, तो 15 ग्रुप में जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन है, इसके बाद ये फ्लोरीन है, एक एक एलिमेंट को और ले लें, नाइट्रोजन के बाद ये फास्फोरस है, यहां पर सल्फर है और यहां पर क्लोरीन है, राइट। अब आप जानते हो लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। मतलब डायरेक्टली का मतलब कैसे हो गया कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी कम होती चली जाएगी, इनवर्स चलेगा भाई। तो कहने का मतलब मैं ये एक साफ साफ लिख सकता हूं कि साइज इनवर्स जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये मैं लिख सकता हूं। अब मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया, डेफिनेशन में यह लिखवाया कि भाई ये आपका फ्लोरीन है ना, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका नाइट्रोजन है। अच्छा एक बात बताओ, अपने अपने ग्रुप में चाहे मैं 15 ग्रुप की बात करता हूं या 16 ग्रुप की बात करूं या 17 ग्रुप की बात करूं, अपने अपने ग्रुप में ये तीन मेंबर ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम है, यानी कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों की अपने अपने ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या है, वो तो मैक्सिमम है। और रेडियाई या साइज की अगर मैं बात करता हूं तो रेडियाई साइज क्या है, मिनिमम है। सवाल को सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन उठेगा यहां से। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब यह हुआ कि अपने अपने ग्रुप में सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए या साइज कम होनी चाहिए, यहां से मेरे क्वेश्चन उठेंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, इन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, अगर इन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से डॉटेड लाइन का भी मतलब होगा, हाइड्रोजन अगर लग जाए इन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, अगर हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाए, अगर इस मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाए, डॉटेड का भी मतलब है, तो ऐसे को कहेंगे आप क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। बच्चों एक बात बताओ, FON फोन, फोन को किससे उठाते हो, हाथ से पैर से, तो आपको अगर हाथ से साफ पैर से कोई उठाता नहीं, तो H for hand और FON फोन को उठाइए हाथ से। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें HF बॉन्ड, OH बॉन्ड, NH बॉन्ड है ना, तो अगर किसी कंपाउंड में HF बॉन्ड, OH बॉन्ड और NH बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट करिए फटाफट, चलिए
अब देखो जरा इधर ध्यान से देखो भाई बच्चों, जरा ध्यान से देखो। तो आपने कहा कि साहब आपने ये कह दिया कि भाई एन के साथ, अगर एन के साथ हाइड्रोजन लगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके बाद हमने एच के साथ लगा दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हमने एफ के साथ लगा दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या अगर मैं पी के साथ बॉन्ड लगाऊं, है ना, या मैं एस के साथ एस के साथ एच लगाऊं, या आपके साथ सीएल के साथ लगाऊं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? मैं स्टेटमेंट क्या लिखवाया, मैंने स्टेटमेंट ये लिखवाया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, जिसकी साइज कम होगी। तो यहां पर फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन, फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कमी नहीं करेंगे। उसकी दो वजह है, पहली वजह यह है कि इनका साइज ज्यादा है, पहली वजह, या मैं ये कह सकता हूं कि साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और साइज क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये वाली चीज हमको देखने को नहीं मिल रहा, ये वाली देखने को बाद बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो लिखो बच्चों, फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन नॉट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज दे कंटेन मैक्सिमम साइज और रेडियाई, है ना, मैक्सिमम साइज और रेडियाई और मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट बेटा। तो बच्चों आज तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम डील किया है, समझना ध्यान से, हमने आज तक जो भी प्रॉब्लम डील किया है वो यही डील किया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां है, कहां कहां नहीं है, कहां कहां है, कहां कहां नहीं है। लेकिन एक केस आज तक हम लोगों ने डील नहीं किया। डील क्या नहीं किया, थोड़ा सुनना ध्यान से बच्चों, थोड़ा सुनना कि अगर मैंने पूछा कि HCl में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, अगर मैंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो भाई कुछ बुक में हाइड्रोजन साइनाइड लिखा रहता है, कुछ बुक में साइनिक कैसे लिखा रहता है ना, दोनों एक ही चीज है बच्चों। अब आप ये कहोगे साहब इन दोनों में सही बात कौन सी है, दोनों सही है। अगर ये गैस फेज में रहता है तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, और अगर लिक्विड फेज में रहता है तो हम लिखते हैं साइनिक एसिड, दोनों की जगह सही है। एक बात अब आप कहोगे कि भाई हमने क्वेश्चन ये पूछा कि HCl में सुनना ध्यान से, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, तो आपने कहना साहब यहां पर मेरे को ना तो HF दिख रहा है, HF बॉन्ड दिख रहा है, ना OH बॉन्ड दिख रहा है, ना NH बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर मेरे को C और H दिख रहा है और C और N बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल होना ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, थोड़ा सुनना ध्यान सुनना कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन मेरा होगा sp3, चलिए मान लिया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमने हाइब्रिडाइजेशन मान लिया, sp2 मान लिया। अगर एलिमेंट के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो मान के क्या चलेंगे हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा दिमाग लगाओ, sp हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर sp ज्यादा है, अगर sp ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा होगी, राइट, एसिडिटी ज्यादा होगी, और एसिडिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होगी। अच्छा एक बात बताओ, डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद हाइड्रोजन बॉन्ड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं हुई, बिल्कुल भी। तो यहां एक केस ऐसा बनता है कि साइनाइड यानी सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका एक मोल
एक मोल और जुड़ जाएगा, मैं थोड़ा सा किनारे से लिख दूं, आप अच्छे से बना लेना भाई, ये आपका एच हो गया, ये आपका सी हो गया, ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया। तो ये जो डॉटेड लाइन दे रहा है इसी को मैं बोलने वाला हूं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एससीएन के अंदर अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, अगर मैं कहता हूं एससीएन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, तो आपने कहना हाइड्रोजन बॉन्ड है। और रीजन मैंने पूछा ऐसा क्यों है, ऐसा आप बताइए क्यों है, तो आपने कहना इसके अंदर भाई एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन जहां भी होता है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वहां एसिडिटी ज्यादा होती है, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई वहां पर आप जानते हो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, और वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इधर क्लियर, फटाफट इसको लिख डालो। लिया। अब यहां पर एक डॉटेड लाइन का भी मतलब है, डॉटेड लाइन का भी एक मतलब बच्चों है ना, डॉटेड लाइन का भी एक मतलब है। डॉटेड लाइन का मतलब ये बताना हम चाह रहे हैं, डॉटेड लाइन का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, बहुत ही वीक बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? तो ये डाइपोल डाइपोल का इंट्रैक्शन है, थोड़ा इसको समझने की भी कोशिश करें बेटा। इधर देखो, अगर मैंने मान लिया जाए कि HF मॉलिक्यूल ले रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है, HF मॉलिक्यूल ले रखा है, तो HF मॉलिक्यूल में ये आपका H है और ये F है। आप जानते हो कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, फ्लोरीन की तरफ जाएगा। जब फ्लोरीन की तरफ जाएगा तो H के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और फ्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और ये मेरे को जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर एक प्लस माइनस का मामला है, प्लस माइनस को डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। फटाफट इसको लिखो। तो लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वेरी वीक बॉन्ड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी कोई बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड भी कोई बॉन्ड नहीं है, ये मात्र एक इंट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, है ना, ये ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेरा वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताइए, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं ये कह रखा कि भाई फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में दो एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका मतलब एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन हुआ। चलिए मैंने मान लिया कि भाई ये इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन हुआ। तो बच्चों यहां भी हल्का सा डॉटेड डॉटेड बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर मैंने पूछा इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन है साहब, अभी तो आप बता रहे हो। बेटा एक बात सुनिएगा ध्यान से, ये बॉन्ड बना हुआ है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी ये कोई बॉन्ड नहीं है। तो अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इस बॉन्ड पूछे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपने कह दिया दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड बनाया तो पूछे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो बॉन्ड बनेंगे चार इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो एच और एफ के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे साहब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी तो आप ऊपर यही बता रहे हो, बिल्कुल गलत। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, ये ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में कोई इन बॉन्ड के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इन बॉन्ड के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
सो देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट बिटवीन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोजन प्लस, बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट, लिखा बच्चों। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन एल्कोहल, कोई एल्कोहल होगा, वाटर, अमोनिया, कोई एसिड, कोई भी एसिड होगा, है ना, और एमाइल्स, फटाफट लिखो बेटा, एचएफ, बट एब्सेंट इन, बट एब्सेंट इन, है ना, C2H5OH और या C2H5, ठीक। अब यहां पर आप कहते क्या हो, पहले फटाफट लिखो उसको, देखो बेटा, अब यहां पर आप ये कहते हो कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन का अटैचमेंट है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का अगर अटैचमेंट है ना, आप ये कहते हो कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का हमारे पास अटैचमेंट हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, बिल्कुल बना। बच्चों अगर मैं ईथर के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूं, यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं, तो बच्चों एक बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेरे को अगल बगल दिख रहा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगल बगल दिखने का मतलब आप मैक्सिमम आप स्टूडेंट ये कहते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं दो केसेस को डिस्कस करूंगा, दो केस थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल है, जल्दी से आप फटाफट आप गलत भी कराते हो, तो दो केसेस में आपसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात तो ये ईथर की अगर मैं बात करता हूं, तो ईथर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, एच सी एच, ये एच, ये आपका सॉरी सी, ये आपका एच, ये आपका एच, और ये आपका O, इसके बाद यहां पर C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर C, ये आपका H और यहां पर H, यहां पर H। बेटा एक बात देखो, जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जैसे मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, तो आप तुरंत देखने लगे कि ना तो मेरे को OH बॉन्ड दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला लिखा उसमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ O का अटैचमेंट है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये ईथर है, ये ईथर है। अगर मान लिया जाए कोई भी ईथर की अगर हम बात करते हैं, कि किसी भी ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, चाहे वो C2H5O या CH3OCH3 हो, दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इसको लिख लो कि ईथर के केस में, बेटा जी ईथर के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, फटाफट लिखो इसको जरा। लिखा बच्चों एक बात देखना, मैं एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक वर्ड मैंने लिखा कि एक्वस, है ना, एक वर्ड मैंने लिखा एक्वस HCl और एक मैंने लिखा लिक्विड HCl, लिक्विड HCl, बात बहुत छोटी सी है। अब हमारे सामने क्वेश्चन यह बनता है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है किसमें नहीं है। अब देखो वर्ड्स को ध्यान देखो, वर्ड्स एक्वस का मतलब 100% पानी है, एक्वस का मतलब 100% पानी की बात कह रहा है, तो पानी के साथ हाइड्रोजन यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा, तो वहां पर 100% आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। लेकिन लिक्विड में मैं कौन सा लिक्विड ले रहा हूं, ऐसा तो कुछ सवाल में मेंशन नहीं किया उसने, सवाल में ऐसा कोई मेंशन ही नहीं किया कि भाई ये लिक्विड मेरे को लेना है, या मैंने ऐसा कोई लिक्विड ले रखा है जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है, तो
तो जब ऐसे लिक्विड्स की अगर क्वेश्चन पूछता है तो अगर उसने लिक्विड वर्ड मेंशन किया है तो यहां लिखेंगे नो हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन बेटा अगर सवाल में उसने ये लिखा एक्वस एसीएल तो वहां लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, तो वहां पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। देखो छोटा सा वर्ड है लेकिन हमारा एक सवाल एक अच्छा सवाल बन सकता है। ये अभी सवाल पूछा नहीं गया है लेकिन कुछ बुक्स में, कुछ अच्छी बुक्स में इसका डिस्कशन है, तो कभी भी आपसे पूछ सकता है। सुनो करिए फटाफट, लिखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स। पहला हो जाएगा मेरे पास इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग, या इसी का दूसरा नाम मैं लिखने वाला हूं एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा बच्चों दूसरा मैं लिखने वाला हूं इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी का नाम मैं लिखने वाला हूं चेलेशन। फटाफट लिखो, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके दो मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा, इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन का मतलब ही वही हुआ, जुड़ने वाली बात हुई, तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके दो मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा और इंट्रामॉलिकुलर एक मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा। तो फटाफट लिखो, इसके बाद हेडिंग डालो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखो, सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल एंड इट इज ऑल्सो टू टाइप। पहला टाइप होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग राइट, और बच्चों दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा हेट्रो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये H है और ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका हाइड्रोजन है, ऐसा दिख रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, ये भी पानी है और ये भी पानी है, या ऐसा भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है राइट। ये भी वाटर मॉलिक्यूल और ये भी वाटर मॉलिक्यूल, अगर दोनों सेम मेंबर्स हैं तो मैं वर्ड क्या यूज करूंगा होमो राइट। और अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि भाई मैंने R वर्ड यूज किया है और ये OH, इसको मैं एल्कोहल बोलूंगा, ये मैं एल्कोहल बोलूंगा, और मैंने लिखा है कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ROH है, और इसके बाद यहां पर मैंने ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये पानी लगा दिया, तो ये एल्कोहल है और ये वाटर है, ये वाटर है, तो ये आपके डिफरेंट हो गया। इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा हेट्रो। अब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में है, दिस वन वन मॉलिक्यूल, दिस वन वन मॉलिक्यूल, दिस वन डॉटेड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, this one one molecule, this one one molecule, this one hydrogen bond, dotted line, तो dotted line का मतलब weak bond, तो hydrogen bond बहुत weak bond होता है, लेकिन केवल van der Waals strong होता है,
10 की पावर 6 टाइम स्ट्रांग होता है, वैसे बहुत वीक होता है। चलिए पहले फटाफट लिखो उसको।